आज की हमारी रेसिपी है मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे रसमलाई पसंद ना हो। तो हाय दोस्तों, मैं कुसुम, स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। आज हम बनाएंगे रसमलाई और बहुत ही इजी तरीके से इसे बनाएंगे हम मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से और प्रेशर कुकर में। तो चलिए इसे बनाते हैं। मगर इससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए झटपटी से बनाना शुरू करते हैं। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें छेना तैयार करना होगा। तो मैंने यहाँ गाय का फुल फैट मिल्क लिया है। अगर आप पैकेट वाला दूध यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो ताज़ा हो और फुल फैट मिल्क हो, उससे हमारी रसमलाई बहुत ही अच्छी बनती है। इसे उबालने के लिए हम गैस पर रख देंगे और जब तक कि उबाल आ रहा है हम दूसरी तरफ मलाई यानी उसकी ग्रेवी जो होती है वो बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने 1 लीटर दूध दूसरी साइड रख दिया उबलने के लिए। गैस के फ्लेम को धीमा कर दें और इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये जले नहीं और धीरे धीरे गाढ़ा होता रहे। तब तक हमने जो छेना फाड़ने के लिए दूध रखा है इसमें उबाल आ चुका है। अब गैस को ऑफ कर दें और इसे हमें ठंडा करना है। तो हम इसे चलाते हुए 1 मिनट तक ठंडा करेंगे। अगर गर्मा गर्म दूध में छेना तैयार करेंगे तो छेना टाइट हो जाएगा, फिर हमारी रसमलाई जो है वो माउथ मेल्टिंग टेक्सचर में नहीं आएगी। तो रसमलाई या रसगुल्ले का टेक्सचर फुल्ली डिपेंडेंट है छेने पे। तो दूध देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसे फाड़ने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ छेने का पानी। आप इसकी जगह पे विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने छेने के पानी को हल्का गर्म कर लिया है और उससे फाड़ रही हूँ ताकि इसे आसानी से फट जाए। तो विनेगर या नींबू से छेना फाड़ें तो उसे डायरेक्ट नहीं डालना है। 1 चम्मच नींबू में 4 चम्मच पानी मिक्स करें और उसे हल्का गुनगुना गर्म कर लें और तब उसे दूध में डालें और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक ही साथ सारा नहीं डालना है। डाल करके 1 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर धीरे से साइड से मिक्स करें हल्के हाथों से, नहीं तो छेना जो है बहुत बारीक हो जाएगा। देखिए दूध अभी तक नहीं फटा है पूरी तरह से, तो हम इसमें थोड़ा सा और छेने का पानी ऐड करेंगे। तो आप कभी भी छेना तैयार करते हैं तो इससे जो पानी निकले उसे एक बोतल में ठंडा करके कर लें और 2-3 दिन बाहर छोड़ के उसके बाद उसे फ्रिज में रखें और उसे जब भी छेना बनाना हो तो छेना तैयार करें। और बचे हुए पानी को आप वेस्ट ना करें, उससे आप आटा गूंदें तो बहुत ही अच्छी नरम सॉफ्ट सी रोटियां बनेंगी। तो धीरे धीरे करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे जब तक कि छेना हमारा तैयार नहीं हो जाता। तो देखिए धीरे धीरे जो पनीर है अलग हो रहा है और पानी भी अलग हो रहा है। तो ये हमारा छेना तैयार हो चुका है। मैंने गैस नहीं चलाया है। दूध ठंडा करने के बाद उसमें पानी ऐड करते गए धीरे धीरे हमारा छेना फट गया। अब इसे फटाफट हम कॉटन के कपड़े में स्ट्रेन कर लेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, छेना फटते ही उसे तुरंत छान लें नहीं तो ये पानी को सोख कर लेगा। अब इसे हमें ठंडे पानी से धोना है ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। और अगर आप नींबू से फाड़ें तो उसकी जो खटास होगी वो भी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा धोएं, हल्का गुनगुना गर्म होने तक हमें इसे धोना है, पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है। अब है बारी छेने में से पानी को निकालने की। इकट्ठा करिए इसे और हल्के हाथों से दबा करके पानी निकालें। भूल करके भी इसे किसी भारी चीज़ के नीचे दबा कर पानी ना निकालें, नहीं तो छेना पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। हल्के हाथों से दबा दबा करके हमें इसमें से पानी निकालना है। छेना में भी नमी रहना जरूरी है, तभी हमारा जो रसगुल्ला है वो सॉफ्ट बनेगा। अब किचन टॉवल लें और इसके ऊपर छेने को रख करके दबा दबा करके ऐसे पोछें ताकि इसमें जो नमी हो वो टॉवल सोख कर ले। तो देखिए टॉवल गीला हो चुका है और इसने पनीर की नमी को सोख कर लिया है। अब इसे रखें साइड में और पनीर को निकालेंगे हम एक प्लेट में। पनीर देखिए कितना सॉफ्ट बना है, इसमें नमी भी है, देखिए आसानी से मैश हो जा रहा है। तो अब इसे हमें मिक्स करना है, गूंदना है। सॉफ्ट करने के लिए आप चाहें तो इसे हथेलियों से मैश करें, पर मैं इसे और आसान करने के लिए ग्राइंडर जार में मिक्स करूंगी ताकि इसका स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर हो।
रसमलाई के रसगुल्ले में और नॉर्मल वाइट रसगुल्ले में अंतर ये होता है कि रसमलाई के रसगुल्ला जो होता है वो सॉफ्ट होता है, माउथ मेल्टिंग टेक्सचर होता है, और रसगुल्ले का थोड़ा दानेदार सा होता है। तो इसे हम डालेंगे मिक्सर जार में। आप चाहें तो इसे हथेलियों से भी मैश कर सकते हैं, मगर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब इसे 5 मिनट तक मिक्स करें। 5 मिनट बाद देखिए इसका स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें पानी दूध कुछ नहीं डालना है, बस छेना को डालें और 5 मिनट तक घुमाएं। तो ये तैयार है, अब इसे निकाल लें प्लेट में। ये आपको अभी चिपचिपा लग रहा होगा, मगर जब इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे तो स्मूथ डो जो है तैयार हो जाएगा। तो इसे हमें हथेलियों से फेंटना है, तो चिपचिपा लगे तो परेशान ना हो। जैसे ही ये फिटने लगेगा और डो तैयार होने लगेगा, थाली को छोड़ने लगेगा। तो 5 मिनट लगेगा इसे फेंटने में। देख रहे, इसने छोड़ना थाली को शुरू कर दिया है। अगर आपके पास वुडेन का बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो उस पे फेंटे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे इसने प्लेट को छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी स्मूथ हो गया है, बिल्कुल आटे की तरह, देख रहे हैं ना। तो ये हमारा रसगुल्ले का डो जो है तैयार हो चुका है। इसने प्लेट को छोड़ दिया, अब हाथों में भी ये नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल स्मूथ है ये। अब बॉल बनाने से पहले हम शुगर की चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में इसे बनाया ताकि चीनी का जो चाशनी बने वो टाइट ना हो और रसगुल्ला हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बने। बार बार पानी डालने का झंझट नहीं। अब हम लेंगे 1 कप चीनी और इसमें डालेंगे 5 कप पानी। तो अगर इसे हम कढ़ाही में या पतीला में बनाते हैं तो हमें चाशनी चेक करना होता है, कहीं वो गाढ़ा ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर पे पानी डालना होता है, फिर रसगुल्ले को चेक करना होता है कि पका है या नहीं पका है। मगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो एक बार में ही ये तैयार हो जाता है। वाइट वाला रसगुल्ला हो या फिर रसमलाई का रसगुल्ला हो, इसे बनाने के लिए चाशनी जो होती है वो पतली तैयार करनी होती है ताकि वो स्पंजी बने। तो अब इसे हम रखते हैं गैस पे और अच्छा उबाल आने देते हैं। जब तक ये तैयार हो रहा है हम रसमलाई के बॉल तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सेम साइज़ के बनाने के लिए ये टेबल स्पून लिया है और छेना को हम बराबर भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो बराबर भाग में डिवाइड करने से फ़ायदा ये होगा कि रसगुल्ले सभी एक साथ सेम टाइम में पक जाएंगे, और दूसरा कि ये देखने में एक साइज़ के होंगे तो अच्छे लगेंगे। तो ये हो गए सारे डिवाइड। आपको छोटे बनाने हो तो छोटे बॉल तैयार कर लें। अब बारी है इसे बॉल बनाने की। तो हल्के हाथों से दबाते हुए इसे गोल करें, इसमें कोई भी लाइन नहीं रहनी चाहिए, और इसे हल्का सा दबाएं और इसे फ्लैट कर दें। ज़्यादा पतला भी नहीं करना, हल्का सा दबाना है। इसी तरह से सारे बॉल को बना करके और फ्लैट करके रसमलाई तैयार कर लें। तो सारे रसमलाई के बॉल तैयार हैं। अब बारी इसे पकाने की। तो चीनी घुल चुका है और चाशनी में अच्छा उबाल आ रहा है। अब चीनी में झाग बनाने के लिए हम 1 चम्मच मैदा लेंगे और इसे पानी से घोल देंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। झाग में पकने से रसगुल्ला जो होता है सॉफ्ट होता है। हलवाई लोग झाग बनाने के लिए रीठे का पानी या फिर हाइड्रो यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें झाग बनने लगा है। अब एक एक करके रसमलाई को डालें, मेरा मतलब है रसमलाई के पेड़े को डालें। अब इसकी लीड को लगा करके हाई फ्लेम पे हमें एक विसल आने देना है। तो मैंने यहाँ 1.5 लीटर दूध यूज़ किया था, जिससे कि 11 पीस रसमलाई तैयार हुई है। तो आप अगर ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो रसमलाई को 10-10 करके और तब प्रेशर कुकर में कुक करें, क्योंकि उसे फैलने के लिए जगह चाहिए होता है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर फैल नहीं पाएगा। तो एक विसल आने के बाद गैस को ऑफ़ कर दें और इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने दें। तो देखिए हमारा विसिल आ चुका है। अब गैस को करें ऑफ और इसके प्रेशर को हम खुद से रिलीज होने देंगे। तो इसका प्रेशर निकल चुका है। अब मैं इसे आपको खोल कर दिखाती हूँ कि हमारा रसमलाई कैसा तैयार हुआ है। तो देखिए साइज में डबल हो चुका है, मगर इसे अभी हम टच नहीं करेंगे। इसे कवर करके और ठंडा होने देंगे, जब तक कि इसे हम टच ना कर सकें उतना गर्म होने तक। तो इसे रखें साइड में और तैयार करते हैं हम रसमलाई की ग्रेवी। तो दूध देखिए गाढ़ा हो चुका है। हमें 1 लीटर दूध को 750 ml होने तक गाढ़ा करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो मैंने 1/2 कप चीनी डाला है इसमें।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर लें। तो चीनी अच्छी तरह से घुल चुका है, अब इसमें डालेंगे हम 4 इलायची का पाउडर और मैं थोड़े से डाल रही हूँ केसर के धागे। तो आप इलायची पाउडर की जगह पे सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर वेनिला एसेंस का भी फ्लेवर डाल सकते हैं। दूध गाढ़ा करने के लिए बहुत लोग कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ करते हैं और मिल्क पाउडर भी यूज़ करते हैं। मैंने ऐसे ही दूध को जलाकर गाढ़ा किया है। तो हमारा रसगुल्ला ठंडा हो चुका है, एक पीस को निकालें। ये हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए ताकि मैं इसे आसानी से टच कर सकें। देखिए कितना स्पंजी हुआ है, कितना फूला है, ये साइज में भी बड़ा हो गया। अब करना हमें ये है कि हल्के हाथों से दबा करके और इसे चीनी की रस को निकालना है। इस तरह से ज़्यादा प्रेस से ना करें नहीं तो ये फट जाएगा। इसी तरह से पहले सारे रसगुल्ले से हम रस निकाल लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम गाढ़ा किया हुआ दूध। तो दूध भी हमें हल्का गुनगुना गर्म रखना है, ना ठंडा करना है ना ज़्यादा गर्म डालना है। जितना गर्म हमारी रसमलाई की रसगुल्ले थे उतना ही गर्म हमें ये दूध भी रखना है। तो रसमलाई के रसगुल्ले को पूरी तरह से डुबो दें। अब इसे गार्निश करें बारीक कट किए ड्राई फ्रूट से। तो मैं यहाँ डालूँ थोड़ा सा पिस्ताचियो और आलमंड्स। और अब इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखें पूरी तरह से ठंडा होने के लिए, ताकि रसमलाई के रसगुल्ले जो हैं रस को अच्छी तरह से सोख कर लें और नरमा नरम हो जाएं। तो देखिए हमारी रसमलाई तैयार है, अब इसे ठंडा ठंडा सर्व करें और इन्जॉय करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये रसमलाई मैं आपको कुकर की बजाय पतीले या हांडी में बनाना बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं। और ये रसमलाई अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।